अभी पहुंच गया हम पल्लू, एक गाड़ी चल रही है हमारे आगे, दो है पीछे, तो इधर से लेके हम पल्लू से आगे जाके हम राइट टर्न लेके तो एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे, फिर सीधा दो तीन घंटे का रास्ता, फिर आगे जैसे देखिए गौरव को चलाने के लिए गाड़ी, गौरव चलाएगा फिर हम निकल पड़ेंगे। अभी यहाँ पे एक्सप्रेस में पहुंचे, यहाँ पे आने दो यार। आगे चारों गाड़ियां एक्सप्रेस पे, अब गौरव चला रहा है गाड़ी रियल शूट की वगैरह, अब निकल गए हैं सारे। साहिल भाई आगे चल रहा है पीछे शर्मा की गाड़ी, उसके पीछे एक और गाड़ी है, उसके पीछे हम चल रहे हैं। गौरव को दी धीरे धीरे चल रहा है। अभी मौसम भी अच्छा हो गया था, 3 बजे सोया था, 6 बजे उठ गया, 3 बजे सोया हूँ पूरी नींद में। हाँ धीरे धीरे चलेगा गौरव भी, गौरव भी गाड़ी चला रहा है एक्सप्रेस पे। एक्सप्रेस पे तो ठीक चलाता है गाड़ी, हाईवे पे इसके लिए थोड़ा पंगा बढ़ जाता है। एक्सप्रेस तो ठीक अपनी साइड ही चलना है, वो तो पूरी गाड़ी सीधी चला लेता है। अब धीरे धीरे इसको हाईवे भी डालेंगे ना, धीरे धीरे हाईवे पे आएगा, क्योंकि अनुज भाई तो आएंगे नहीं अब गाड़ी चलाने के लिए, हम दोनों ही हैं, इसको तो मैं सिखानी पड़ेगी, अकेले तो इतनी गाड़ी चलाने नहीं होती। क्यों नहीं आएंगे, जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं आए। अभी एक्सप्रेस वे कंटिन्यू चला रहा है, गौरव भी गाड़ी चला रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि पहला चक्कर है जब से मैं आ रहा हूँ राजस्थान में, अभी तक हमारा कोई चला नहीं, राजस्थान में कोई पैसा नहीं लगा, कोई आरटीओ नहीं, कोई कुछ नहीं मिला है। दो तरपाले लिए गाड़ी के लिए, नहीं अभी वो डालेंगे सब कुछ, निकलेंगे इधर से। अभी एक्सप्रेस ख़त्म, अभी इधर से हमने नीचे उतर के जाना, तेल रखें आगे जाके डालेंगे थोड़ी देर। एक्सप्रेस छोड़ दी हमने अभी, तो अब जा रहे हैं उतर के एक्सप्रेस से नीचे, आगे से जाएंगे गांव से होके, अब गांव-गांव से होके जाएंगे। अभी हमें हरियाणा में, हरियाणा बॉर्डर में, अब पूरा गांव-गांव से होके जाएंगे। बोल रहे थे पंजाब का बॉर्डर खुलेगा, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 2 घंटे रुकते रुकते टाइम ज्यादा टूट जाएगा, इसलिए हम निकल पड़े हैं, जल्दी से निकल ही जाते हैं। दुखी वाली बात तो बताई नहीं, खुश नहीं लगा, आते आते क्या हुआ, हमने सोचा था आज राजस्थान से बच के जाएंगे, बाहर नहीं, रिकॉर्ड कैंसिल हो गया, फिर भी देने पड़े, चलो क्या करना, कम नहीं इस बार पैसे माना कि कम लगे, लेकिन फिर भी देने पड़े, चलो। गौरव चला गया था आगे ब्लॉग शूट करने के लिए, और साहिल भाई की गाड़ी वो निकल रही है, पूरी पिक्स निकल रही है, इससे ज़्यादा हेड नहीं निकल सकती। आगे अभी हम भी, ट्रैफिक वालों की गाड़ी भी आ गई है, आगे अभी हम गांव वाले रास्ते से, और इतनी दूर है, और देखो गाड़ी कितनी लेट रही है यार, बहुत बुरी हालत हो रही रास्ते की, बहुत ज़्यादा खराब रास्ता, पूरी दूर रास्ता तो आगे दिख नहीं रहा, वो देखो गाड़ी कहाँ गई, आपको दिख नहीं रही होगी, वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है पूरा। अभी ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे पूरा, गाड़ी की जो मिट्टी नीचे मिट्टी है ना, वो गाड़ी के रिम तक पहुँच रही है, अंदर बेल कब तक टच हो रही है, इतना टायर गाड़ी के नीचे मिट्टी में 10,000 है। राजेश भाई, साहिल भाई सभी पीछे रुक गए, वो ले रहे हैं व्हील कप, हमारा आगे वाला आपको पता टूट गया था, वो ले रहे हैं व्हील कप वगैरह, वहीं पे हम आ गए थे पंप में, यहाँ पे तेल का प्राइस चल रहा है 86 रुपये, यहाँ पे डालते हैं तेल, तब तक वो आ जाएंगे, फिर इकट्ठे यहाँ से निकलेंगे। पड़ गया तेल भी, स्मार रखते हैं अंदर, और वहाँ पे लगा दिया वो गाड़ी भाई ने, हम भी लगाते हैं वहीं पे, उनका करते हैं पीछे से वेट, यहाँ पे मैं सोचा था पानी भर लूँगा ठंडा, बट पानी तो यहाँ पे नहीं मिला। चलो चलो क्लियर क्लियर करें, तेल भी डाल दिया, अब साहिल भाई डाल रहे हैं, गाड़ी भाई भाई गए थे बाथरूम करने, अभी आए नहीं, राजेश भाई अपना सामान लेके आ गए, और यहाँ से निकलते हैं आगे, भूख भी लगे, किसी ढाबे में खड़ी करेंगे, वहीं पर डालेंगे व्हील कप, ये वाला काफ़ी टूट गया था, मैं साहिल भाई आ जाएंगे पीछे पीछे खुद ही। प्रॉब्लम से निकल गए थे आगे, यहाँ पे ढाबे में गई गाड़ी खड़ी, यहाँ पे खाएंगे खाना, और क्या लाया, व्हील कप लाए थे, और थोड़ा बहुत सामान लगाया, और भी लाया है, वापस गाड़ी तैयार करेंगे, धीरे धीरे आपको आगे दिखाएंगे, अभी तो व्हील कप लगाए वो लाए वही लगा रहे, ये पूरा ठीक है, इसको हम रख देंगे ऊपर टोर पे सेव बैकअप के लिए, सुराग छोटा तो नहीं है, आ जाएगा, चलो मैं उस साइड का खोलता हूँ, ये टूटा हुआ था मेन अपना, हाँ जी ओके करते हैं, ये टूटा हुआ था ना, अब इसको करते हैं चेंज, व्हील कप भी लगा दिए थे गाड़ी के लिए, और ये लेके आया था मैं गुड़िया जे वाली, और जे वाली साथ में ये लेके आया हूँ, ये इतना अच्छा लगेगा ना, इधर लगाएंगे बाद में, इधर भी लगा देंगे फिलहाल, अभी इधर इसके लिए लगा लेके आए हैं, अच्छा है ना कितना,
ढाबे से खाना खा के निकल गए थे। साहिल भाइयों की गाड़ी पहले निकलेगी क्योंकि उन्होंने शाम के लिए लेनी थी सब्जी, उनको अपना खाना बनाना था, वो रहे हम आगे चलते हैं, हम सब्जी लेते हैं, अब आ जाओ। तो हम बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, हम सारे चल रहे हैं, बस वो आगे आगे बठिंडा बाईपास है ना, बठिंडा बाईपास से हम अभी चल रहे हैं। बठिंडा बाईपास होने वाला ख़त्म, इधर से लेके हम लेफ्ट टर्न। ये देखो बड़ी बड़ी पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है, समझ नहीं आती। साहिल भाई आगे चल रहे हैं, दो गाड़ियाँ पीछे हैं हमारे पास खींच के रखी हुई है, कल खाली हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी पहुँच गए बठिंडा, अभी पी रहे हैं पे जूस। हाँ जी और भी डाला है पाइप गर्मी में, पाइप डाली है। हम पीते हैं यहाँ से जूस, निकलेंगे और आगे। इतने दिन से आपको जो वेट था, क्या सरप्राइज है, वो भी रिवील होने वाला है कुछ पल की देरी है। लग गया जाम रेलवे फाटक का, फाटक था ना इसलिए उसकी वजह से जाम हुआ। और गौरव सोया गया, और उतनी रात को भी नहीं सोया था, अभी सोया थोड़ी देर में, बोला सो जा मैं चला लूँगा अकेले गाड़ी, रात को खाऊँगा नहीं, क्योंकि रात को जाम शाम होता है ना, अभी सो जाएगा वो भी। तार अमृतसर पास का क्रॉस करके मतलब आगे रुके हुए थे, गौरव का और गाड़ी की शीशे वगैरह सारे कुछ साफ, गाड़ी लगाई साइड पर, ओके साहिल भाई की ये है, शर्मा भाई की गाड़ी है, और अनुज भाई भी आ गए थे इसी लेके, वो पठानकोट में रुका हुआ है, हमारा वेट कर रहा है, उसके बाद रुकेंगे उधर थोड़ी देर, फिर हम निकल पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे लेट हो चुके हैं। पहुंच गए थे अभी हम सांबा, और इधर जाम देखो कितना लगा हुआ है, बुरी हालत है जाम से, जाम ही बहुत लगा हुआ है। कब पहुंचेंगे श्रीनगर, टाइम ही 3 बजने वाले हैं, टाइम ही बड़ा लग गया। पहुँच गया अभी मैं सांबा फ्लाई ओवर में, बस अभी थोड़ा सा रह गया दार रोड से कट लेंगे सीधा, दार रोड से निकलेंगे, अभी गाड़ी तो लेट होगी मंडी के लिए, अभी जाम बहुत रास्ते हैं, करते भी क्या वही ना। टाइम 2 बजने वाले हैं और अभी हम हो गए दार रोड में इंटर, चल रहे हैं दार रोड में, गोरों को बोला मैंने सोचा अभी तो आगे क्या होता है, जाम शाम हो फिर बैठ जाना है, फिर तो सोचा अभी चला लूँगा गाड़ी अकेले, बड़ी टेंशन नहीं है। टाइम हो गया अभी सुबह के 4 बजे के, और अभी हमने चाय चाय पी है, गाड़ियाँ सारी गिटी थी, अभी निकले हैं, बस रह गया 15 किलोमीटर रह गया दार रोड कट, बस निकलेंगे बाहर तो फिर सीधा कंटिन्यू चलेंगे, अभी एक गाड़ी को तेल डालना है, वो तेल डालेंगे तो निकल जाएंगे। निकल गया अभी हम दार रोड कट से बाहर, एक गाड़ी लगी मेरे पीछे, एक गाड़ी वो पार सामने पंप पे लगी है, वो तेल डाल रही है उधर से, तेल जैसे वो तेल डालेगी तो निकल आएगी। गौरव गया था टायर वगैरह चेक करने के लिए, वो भी आगे टायर चेक करके बस वो गाड़ी तेल डाल के आई नीचे से, तो हम भी अभी निकलेंगे। फिर जाम का एक रीज़न ये भी है ना, ये देखो मतलब लोग अपने गाय भैंसे वगैरह भी सब बढ़िया होंगे। अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है उधमपुर, यहाँ पे टनल के पास हैं, गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। साहिल भाई हो चुके बीमार, उनके कनेक्टर काफ़ी थक चुके हैं, तो उनकी गाड़ी भी ले जानी पड़ेगी हमें, तो देखते हैं कि कैसे मतलब वो पार समय टनल। हाँ जी सर जी, आल गुड।